खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर का मौसम महकमा मौसमियात के साथ हाथ कर गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज अभी कह रहे थे कि 2 से 3 रोज बाद हल्की बारिश होगी कि बादल छलक पड़े। जुबैर साजिद ढिल्लों की रिपोर्ट। मगरबी हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली। कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी, धुंध का जोर भी कायम रहा। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बरसते बादल अगले 2 से 3 दिन में पंजाब के मैदानी इलाकों का रुख करेंगे, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। क्वेटा जोब के इलाके हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन के दौरान यहाँ पे भी बारिश के साथ स्नोफॉल भी, और यहाँ भी पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल की चांसेस रहेगी। दूसरी जानिब मौसम सरमा की पहली बारिश ही महकमा मौसमियात को धोखा दे गई। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी ने रंग जमा दिया, लेकिन चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज ने आज लाहौर में बारिश न होने का इम्कान जाहिर किया था। लाहौर में बारिश तेज होगी या स्लो होती रहेगी? लाइट किस्म की बारिश है, लाइट टू मॉडरेट किस्म, लाइट ज्यादातर लाइट ही चांस है मोस्टली। आज कोई चांस है होने का? आगे 2-3 दिन के दौरान है चांसेस। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ेगा, वैसे ही धुंध में कमी आएगी। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ जुबैर साजिद ढिल्लों, नियो न्यूज, लाहौर।